ठीक है सुपर मैट मच्छर आप देख रहे हैं मुझे ये वीडियो मैं बताऊंगा आपको हॉस्टल रूल्स जो कि मैं बताऊंगा आपको बेसिकली सारे हॉस्टल्स में लगभग यही रूल्स है लेकिन स्पेसिफिकली मैं ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बारे में बताऊंगा फिर बताऊंगा मेस के कुछ चेंजेस जो मेस में इस साल चेंजेस किए गए हैं ठीक है और फिर कुछ बात करेंगे अपन क्वारंटीन रूल्स उसके बारे में जो अभी बच्चे कंट्रोल सो जो अभी बच्चे इंडिया से ओरेनबर्ग फ्लाई कर रहे हैं ठीक है कौन है ये लोग कहां से आते हैं तो उनके लिए क्वारंटीन रूल्स है क्वारंटीन उनको हॉस्टल में ही किया जा रहा है ओरेनबर्ग कबदारों में तो जो बच्चे जैसे अभी 29 मार्च को 10 बच्चे हाँ 10 बच्चे फ्लाई की तो उनको 14 डेज हॉस्टल के रूम्स में ही क्वारंटाइन किया गया है और उनका खाना उनको 14 दिन उनके रूम में ले जाके दे रहे वो लोग इतनी खुशी तो क्वारंटीन का तो मैंने बता दिया और फिर ठीक है बात करते हैं अभी हॉस्टल रूल्स तो सबसे पहला हॉस्टल रूल बर्थडे से स्टार्ट करते हैं सो बर्थडे के लिए क्या सीन है भैया बर्थडे के लिए आपको लगभग 12 बजे जो सब लोग बर्थडे करते हैं उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी ठीक है उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का बर्थडे है इस रूम में हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन आप रूम में कर सकते हो या तो किचन में कर सकते हो लेकिन प्रेफरेबली लोग ज़्यादा रूम्स में करते हैं ठीक है जो लोग ज़्यादा गंदा नहीं करते वो लोग रूम्स में करते हैं ठीक है और जिनको ज्यादा गंद मचाने की आदत है वो लोग किचन में करते हैं ठीक है क्योंकि रूम कोई अपना खराब करता नहीं तो यू हैव टू राइट एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको एप्लीकेशन जाके देनी है या तो पावल सर होंगे पावल सर को देनी है ठीक जो या तो ध्रुव भी होंगे बल्लू भी होंगे जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी आपको बोला होगा जो भी उस टाइम प्रेजेंट होगा उस टाइम उनको देनी है और उसके साथ आपको 500 रुपीज जमा करने हैं उनके पास में सो आपका बर्थडे होने के बाद दिल कम दिल चेक योर रूम्स और आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे इफ एवरीथिंग इज ओके सेकंड है हाँ हॉस्टल के अंदर आपको 11 बजे तक प्रेजेंट रहना है ठीक है हॉस्टल के अंदर आपको 11 बजे तक रात को 11 पीएम से पहले वापस आ जाना है 11 पीएम आपकी डेडलाइन है और जैसा आपको पता है कि ओरेनबर्ग हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज साथ में रहते हैं सो साथ में इन द सेंस कि एक ही हॉस्टल में रहते हैं मेरे को जानता नहीं दे जस्ट हैव डिफरेंट फ्लोर्स थर्ड फ्लोर पे कुछ गर्ल्स रहती है फोर्थ फ्लोर पे कुछ सीनियर रहती है और बाकी फिफ्थ फ्लोर पे पूरी गर्ल्स रहती है सो आपके रूम में गर्ल्स को आना अलाउड रहता है बॉयज के रूम में बट बॉयज कैन नॉट गो इनटू गर्ल्स फ्लोर सो गर्ल्स रूम तो गर्ल्स जो आती है बॉयज के रूम में वो 11 पीएम तक ही अलाउड रहती है 11 पीएम के बाद दे हैव टू गो टू द रिस्पेक्टिव रूम्स हॉस्टल में ड्रिंक्स लाना अलाउड नहीं है और स्मोकिंग भी हॉस्टल के अंदर अलाउड नहीं है सिर्फ कोविड के टाइम पे हॉस्टल में आना स्मोकिंग रूम बनाई गई थी जहाँ बच्चे स्मोक करते थे बाकी बाहर आपकी इच्छा है आपको स्मोक करना तो आप कर सकते हैं लेकिन स्मोकिंग कॉसेस कैंसर थैंक यू जनहित में जारी किचन रूल्स इफ यू आर यूजिंग किचन सो आपका जो फ्लोर का कैप्टन होगा या किचन का जो कैप्टन होगा वो आएगा आपके पास में आपके रूम में बोलेगा कि आप किचन यूज करते हो और आपकी फिर इस डेट को उस मंथ में किचन ड्यूटी लगेगी किचन ड्यूटी में आपको बेसिकली कुछ नहीं आपकी फ्लोर कैप्टन के रूम में जाके आपको अपना झाड़ू जो भी नेसेसिटीज है किचन साफ करने के लिए वो उसके पास से लेनी है और जाना है किचन में और किचन साफ करना है जो भी गंदगी होगी यू नो थोड़ा पोछा ओछा करना है वो सब जो किचन साफ कर दे और हॉस्टल कार्ड अभी तो जो बच्चे हैं वहाँ पे 18 बच्चे फर्स्ट बैच के थे और 10 बच्चे अभी 29 तारीख को है तो उनके हॉस्टल कार्ड्स बन रहे हैं हॉस्टल कार्ड आपको जब भी आप बाहर जाओगे आपके साथ हमेशा रखना है जब आप हॉस्टल लीव करते हो तब आपको हॉस्टल कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है बट व्हेन यू री एंटर योर हॉस्टल्स जब आप बाहर से अपने हॉस्टल में आ जाएंगे तब आपको वहाँ का जो अखराना है अखराना इन द सिक्योरिटी गार्ड वो आपको पूछेगा
शो योर हॉस्टल कार्ड, तो तब जब आपके पास हॉस्टल कार्ड होगा तभी आपको हॉस्टल में एंट्री मिलेगी। और जो बच्चों की मैस होगी जो, तो उनको एक मैस कार्ड मिलेगा, ठीक है, वो मैस कार्ड में आपका नाम लिखा रहेगा, आपकी फोटो होगी और बस उसमें कुछ डिटेल्स होंगी आपकी। और मैस कार्ड भी आपको लेके जाना पड़ता है जब आप मैस में जाओगे। सो ये सब मैस कार्ड वाला सीन तो तब होता है जब ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए और उसके बाद किसी की मैस की फीस पेंडेंसी हो, तब स्टार्टिंग में तो सभी पे करके जाते, तो दो तीन महीना कुछ चेक नहीं करता और बाद में फिर आपको मैस कार्ड लेके जाना पड़ेगा। इस साल कुछ चेंजेस है मैस में, ठीक, मैस में लंच और डिनर में तो चेंजेस है नहीं, लंच और डिनर का तो वही सीन है। टाइमिंग्स आपके लंच के होंगे ऑलमोस्ट अराउंड 11 से 1 बजे के आसपास और डिनर के टाइमिंग्स होंगे आपके 7:30 से 9, ठीक है, ये उस ये वो टाइमिंग्स थे, टाइमिंग्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और बच्चों के खाने के ऊपर है कि वो लोग किस टाइम पे खाना खाते हैं, तो उस हिसाब से टाइमिंग चेंज होंगे। इस साल मेन चेंज ये आया है कि ब्रेकफास्ट जो पहले मिलता था वो इस साल से बंद हो चुका है, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता था, जस्ट एक मेरे को आज एक जूनियर ने बताया कि भैया ऐसे सब बोल रहे थे कि ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा तो ये सच है। फिर मैंने थोड़ा पूछा उन बंदों से जो कि हॉस्टल में प्रेजेंट है, तो उनको अभी बोला गया है कि ब्रेकफास्ट इस साल से बंद है। बंद क्यों है इसका रीज़न मुझे नहीं पता, आप कमेंट्स में भी लिखोगे कि बंद क्यों है मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। और कुछ एजेंट्स को पता नहीं है कि मैस बंद है करके, तो इसलिए वो लोग शायद गलती से बोल रहे होंगे कि मैस सॉरी कि ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको, लेकिन उनको पता नहीं है। सो ब्रेकफास्ट इस साल से बंद है, इस साल से अभी कब तक बंद होता है या सिर्फ इसी साल बंद रहता है इसका मेरे को क्लियरली पता नहीं, लेकिन ब्रेकफास्ट इज बंद। तो और ब्रेकफास्ट बंद हुआ है इसका रीजन शायद मेरे हिसाब से अब मैं गेस कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बंद नहीं होंगे एक तो, और क्योंकि सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग इतना कोई उठने को देता नहीं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई जाता नहीं ब्रेकफास्ट करने, और 10-15 लोगों के लिए बनाने को उनको नहीं पड़ता होगा क्योंकि वहाँ पे शेफ बनाते हैं ना, तो उनको उठो 10-15 लोग के बच्चा ब्रेकफास्ट लेके, तो आइडियली एक बच्चा भी अगर भूखा हो अगर वो ब्रेकफास्ट खाना चाहता है उसने मेस की फी भरी है तो ही शुड बी अलाउड टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, बट अगर नहीं बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लो और खुद बना के खा लो क्योंकि अभी किचन भी ज़्यादा भरा रहता नहीं क्योंकि आप कम लोग हो, ठीक है। सो ये थी वीडियो और अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, नहीं फोकट में देख के जाना बंद करो, सब्सक्राइब कर दो यार, चलो थैंक यू और राम राम।